Welcome to Sir Abrar YouTube channel. There is always request that please upload videos in Urdu as well, because Urdu is very well understood in India, Pakistan and Bangladesh. So I have decided to upload my videos in two languages. So this is going to be in Urdu. So ye vlog jo hai ye Urdu mein hai, aur aaj ka hamara jo topic hai wo ye hai ke what are the changes coming up in the study permit? तालीम के लिए जो आप हासिल करने के लिए कनाडा में जाते हैं, तो आपको पता है कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी के प्रोग्राम में क्वालिफाई करते हैं और मुकम्मल करते हैं, तो वो अगले 90 डेज़ के अंदर अंदर उनको कंप्लीट करना चाहिए अपना पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना चाहिए और कम्प्लीट होना चाहिए प्रोसेस. So that is known to all of us, but now this work permit is connected. Is work permit ko mila diya gaya hai ki Canada mein job requirement kya hai. Agar job requirement aap ne jis field mein MSc ya PhD kiya hai usme job requirement nahi hai, तो आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा, अप्लाई करेंगे डिनाई हो जाएगा. ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि नीड बेस कर दिया है कनाडा की ज़रूरत के मुताबिक और फील्ड से अलाइन करके वो अब आपको वर्क परमिट देंगे. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. और बहुत से लोगों ने जो दाखला लिया होता है तो फिर बाद में प्रॉब्लम उनको हो जाता है कि उनको जॉब नहीं मिलेगी. अब इसी तरह वर्क परमिट के लिए लैंग्वेज का भी उन्होंने एक नया फार्मूला बना रहे हैं, जो कि हो सकता है ये चीज़ें अगस्त में इम्प्लीमेंट हो जाएँ कि आपको लैंग्वेज के लिए जो स्टैंडर्ड मुकर्रर करेंगे जॉब के लिए वो डिफरेंट हो जाएंगे. क्योंकि वो चाहते हैं कि ऐसे लोग क्वालिफाई करने के बावजूद ऐसे लोग वहाँ पर वर्क परमिट उनको दिया जाए जो कि फील्ड में डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाएं, वो वहाँ के मामलात को समझें, वो कम्युनिकेट कर सकें, वो लिख सकें, बात कर सकें फ्लुएंटली. तो इसलिए उसके अंदर ये चेंजेस लाई जा रही हैं. और एक और वर्क परमिट में थोड़ा सा डिस्टर्बिंग न्यूज़ है, वो ये है कि शायद इसमें एक थोड़ा सा पॉज करें, वो एक वक्फा लाएं, यानी थोड़े अरसे के लिए वर्क परमिट को रोक दिया जाए. तो ये सब ऑन द टेबल है. और आपको पता है कि वो चीज़ वैसे ही ख़त्म हो चुकी है कि आप जाएं और बॉर्डर पे जाकर के अमेरिका से यू टर्न लें, रेनबो ब्रिज से अगर ओंटारियो में हैं, और वहाँ से आप चाहें तो अप्लाई कर दें वर्क परमिट. फ्लैग पोलिंग जिसको कहते थे, मेरी अलग वीडियो है, आप देख सकते हैं. तो वो तो पहले ही ख़त्म हो गया है. आप ये नहीं कर सकते अब कि आप जाएँ कैनेडा में हैं और वहाँ से एमएस किया, बॉर्डर पे गए, वर्क परमिट अप्लाई किया और मिल गया, तो वो कहानी भी ख़त्म हो गई. वो तो बहुत मज़े थे, बहुत आराम से मिलता था. तो ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अब ये जनरल चैनल है, अपने और दोस्तों को, फैमिली को, सबको बताएं. और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंजीनियर्स को ही आप ये शेयर करें, ये सबके फ़ायदे की बातें हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. मेरे नया जो छोटा सा इंफॉर्मेटिव लेक्चर होगा वो अबाउट स्टडी परमिट होगा, उसके अंदर भी बहुत चेंजेस आ रही हैं. बहुत शुक्रिया.